है, ये देश का सबसे बड़ा वोटर जागरूकता कार्यक्रम है, क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं अब की बार लिखकर दो सरकार। अब की बार लिखकर दो सरकार से हमारा मतलब है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों, अपने सांसदों, अपने मंत्रियों और अपने नेताओं से ये कहें कि अगर आप हमें कोई वादा करने जा रहे हैं तो लिखकर दो सरकार। ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके वादे की अकाउंटेबिलिटी हो, उनके वादे की प्रामाणिकता हो, और चुनाव के बाद अगर वो अपने वादे से मुकर जाए तो आप लिखा हुआ वो वादा दिखा सके कि जनाब आपने तो लिख कर दिया था। तो इसी खास पेशकश की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आम जनता यानी जनता जनार्दन इंडिया गेट के इस लॉन्च पे मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए खुद जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इसी जनता ने लोकतंत्र के अंदर अपना जनप्रतिनिधि चुना है और उसी के बाद इस रायसीना हिल्स पर एक प्रधानमंत्री की शपथ विधि होनी है। वो प्रधानमंत्री कौन होगा? वो फिर से एक बार नरेंद्र मोदी होंगे? वो फिर से वो क्या राहुल गांधी हो सकते हैं या फिर सब मोदी के लिए? सब मोदी के लिए। रोहित खुश है आप? मैं शुरू करूं, एक मिनट, मैं उससे पहले सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पास सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो कि जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एनडीए की पार्टी है, बिहार के अंदर अच्छा खासा दखल है, और नीतीश कुमार जी इस पार्टी के मुखिया हैं। प्रेरणा सिंह जी थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगी। रोहित चहल बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा जिन्होंने महागठबंधन बनाया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं रोहित? महाठगबंधन। देखिए, जनता ही कह रही है महाठगबंधन, मिलावटी बंधन। तो देश को मिलावटी बंधन चाहिए, मजबूत बंधन चाहिए, ये देश देख रहा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और मैं सीधे जनता जनार्दन के बीच जाता हूँ, क्योंकि अगर किसी को वादा लेना है तो वो जनता जनार्दन है जिसे वादा लेना है अपने नेताओं से। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप क्या चाहेंगे, क्या आपको आपके नेता लिख कर दें अगली सरकार के? हम ये चाहेंगे 2014 के अंदर जो घोषणा पत्र आया था, अगर वो सही था तो देश की जनता वोट दे, अगर झूठा था तो जमीन से उखाड़ के फेंक दे। जनता झूठे वादों पे यकीन ना करे और लिख के दे। आज का हर एमपी जो चुनाव लड़ा रहा पार्टी से, अगर उसके वादे पूरे नहीं होते हैं तो 100 दिन के अंदर इस्तीफा दे देगा, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो देश का बनने वाला, चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या ममता जी हो या मायावती हो, कोई भी हो, हमें आप लिख कर क्या मांगते हैं? आप लिख कर क्या? हम लिख कर ये मांगते हैं जो देश की जनता के आगे अब वादे करते हैं अलग अलग जाके हर शहरों में जाके, वो सब आप लिख कर दे हमें अपने एफिडेविट के ऊपर, अपने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे कि इलेक्शन कमीशन उसके अंदर 100 दिन के अंदर फैसला ले। अगर ये लोग झूठे साबित होते हैं तो देश। अच्छा अच्छा सुझाव है आपका, आप क्या लिख कर चाहते हैं बताइए, आपकी क्या मांग है जो आप इन जनप्रतिनिधियों से लिख कर चाहते हैं? छोटी सी मांग है सर, कि जब चीन में झिंजियांग प्रांत में इस्लामिक आतंकवाद पनपता है तो वो लोग सीधा कार्रवाई करते हैं, मस्जिद में कुरान पढ़ने पर लगा देते हैं, जो भी करते हैं, वो किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भीख मांगने नहीं जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भारत जो है, जो वो दिखाता है मैं 14 देशों के समर्थन के साथ खड़ा हूं, मुझे नहीं चाहिए। भारत पहले कार्रवाई करे और उसके बाद सीधा कहे। भारत ने तो कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक करी? नहीं नहीं, जो भारत कहता है ये दूसरा मुद्दा है, हम इस पर आएंगे, हमारा देश का मूड सर्वे है, हम इस पर आएंगे। आप क्या लिखकर चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? मैं तो कहता हूँ कि नेशन फर्स्ट, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, नेशन फर्स्ट। जैसे भारत माता की जय, भारत माता की। जैसे चाइना के प्रेसिडेंट को बना दिया गया लाइफ टाइम, जैसे पुतिन जी को बना दिया गया लाइफ टाइम, मोदी जी को लाइफ टाइम बना दो नेशन फर्स्ट। चलिए, ये एक ऐसी मांग है जिसके ऊपर हम फिलहाल कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं बात आपकी बात सुनता हूँ, बिल्कुल बात सुनता हूँ। आप बताइए आप क्या चाहती हैं लिखकर अपने नेताओं से? मैं ये चाहती हूँ मोदी जी से, जैसे उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, अब कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं पाकिस्तान के लिए, कोई बिरयानी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं एक्सचेंज करने, वो स्ट्रिक्टनेस है तो स्ट्रिक्टनेस ही रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहले रोहित चहल से शुरुआत करते हैं। रोहित आपकी बारी है, 5 साल पहले आपने एक मैनिफेस्टो लिख कर दिया था, क्या लिख कर दिया था सबको पता है, कितने वादे आपने पूरे किए, उसके बाद मैं जाऊंगा डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास। देखिए दीपक जी, देश के जो प्रधानमंत्री, जो प्रधान सेवक है, जो एक खुद जिसने गरीबी देखी है, जिन्होंने गरीबी को जिया है, और उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास,
और आप देखेंगे उन्होंने एक और बात कही थी कि देश को ना झुकने दूंगा ना देश को पीछे रहने दूंगा। तो आज आप देखेंगे किस तरीके से सबका साथ सबका विकास होता है। जब देश के अंदर एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत दिए जाते हैं, उस आवास के अंदर जब शौचालय बनाकर हमारी माओं को सम्मान देने का काम 9 करोड़ शौचालय बनाकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। उतना ही नहीं, आप ये देखिए उस आवास के अंदर जब माँ, क्योंकि गरीबी जब एक माँ को देखा उन्होंने माँ को रोते हुए, जब वो सिलेंडर तो था नहीं, तो जब वो देखते थे कि चूल्हा जलाती थी और आंसू बहते थे, तो उस माँ के आंसू पहुंचने का काम 6 करोड़ सिलेंडर देकर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, मैं एक और कहूंगा कि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत आज लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया है, और इतना ही नहीं सबसे बड़ी बात है देश को झुकने ना देने की बात कही थी, आज एक नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, और जो एक नया इंडिया है और जो घुसके मारने वाला इंडिया है, घुसकर मारने वाला इंडिया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपको क्या लगता है जो लिख कर दिया था 5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में, अपने एजेंडे में, क्या एनडीए सरकार ने वो पूरा किया है? सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, उससे पहले जनता से पूछता हूं, पूरा किया है क्या? किया है? किया नहीं है? किया, किया है, किया है और किया नहीं, आप आधे आधे मान लीजिए, आप अपनी बात कहिए। डॉक्टर आशुतोष, धन्यवाद। पहले दिल्ली की इस खूबसूरत जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत नमन। दीपक जी देखिए, अगर किया होता तो आज जो देश में हो रहा है वो शायद नहीं हो रहा होता। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या हो रहा है? देखिए 2014 में जब ये आए थे, जो ये बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े लफाजी बातें करके आए थे, आज मैं आप पहली चीज करप्शन पे आए थे, और इन्होंने देश में पिछली 10 साल की यूपीए सरकार को कोस कोस के पानी पी पी के 2G 3G जीजा जी चिल्ला चिल्ला के एक बात किया था। तो गलत क्या चिल्लाया था ये बताइए, बिल्कुल 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 दीपक जी मेरी बात पूरा दीजिए, किया था। और आज जब 5 साल खत्म हो गए हैं, देश 25 से 30 दिन बाद आम चुनाव के पास खड़ा हुआ है, न 2G न 3G और न जीजा जी, कहाँ चले गए वो 5 साल? वो तमाम केसेस तो चल रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपको सबको दूसरी बात जीजा जी जा रहे हैं क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको भी पता है दीपक जी, आज मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, आज सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया, नमामि गंगे के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए डाल दिया गया, उनकी मंत्री पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं गंगा साफ हुई है, पी चिदम्बरम जी का कहना है, कांग्रेस छोड़ दिया पी चिदम्बरम जी ने, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। ये उमा भारती वही थी कि अगर गंगा साफ ना हो तो मैं उसी में आहुति ले लूंगी, और आज निकल के आया है कि पिछले 3 साल में गंगा का हालात और प्रदूषित हो गया। चिदम्बरम जी बोल रहे हैं नहीं, आप इलाहाबाद जाते और वहाँ पर डुबकी लगाते तो सोनिया जी राहुल जी का भी पाप धुल जाते। सोनिया जी राहुल जी तो गए नहीं, इलाहाबाद जाते संगम में तो डुबकी लगाने का मौका मिलता, एक राइडर की बात है कि साफ हुई नहीं हुई है। एक राइडर में लगाना चाहूंगा, प्रयागराज जाके देखते, अभी कांग्रेस की प्रतिनिधि प्रेरणा सिंह यहाँ आई नहीं है, खुद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी प्रयागराज से लेकर बनारस तक बोट यात्रा करने वाली है, बोट यात्रा करने जाएंगी, लेकिन दीपक जी यात्रा कर सकती है वो, लेकिन बोट यात्रा करने जाएंगी लेकिन प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने का उनके पास समय नहीं है, वो पाप धोने का समय नहीं है। देखिए कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं वो करना मैया में जरूरी है, मैं बिल्कुल पूछूंगा, मैं आपको उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब के पास से आता हूँ, गोमती नदी के किनारे बसता हूँ, और गंगा को जिया है मैंने, और ये गुजरात से आके गंगा को मां ने बुलाया है, आज वापस नहीं जा रहे हैं। बीच में कले तो ये भी हो गई थी दीपक जी, दूर की बात नहीं कि शायद चुनाव भी वहां से ना लड़े, लेकिन अस्मिता की बात आ गई, चुनाव वहीं से लड़ रहे हैं। मुझे पता है दीपक, मत कीजिए आप अपना सोचिए, या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अखबार के बारे में बता दीजिए। सर झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता क्या बोल रही है सुनिए, देश की जनता क्या कह रही है, देश की जनता का रूप देखिए, लगाने के लिए नहीं बताइए, गंगा नदी साफ हुई है क्या? गंगा नदी साफ हुई है? हुई है? देश की जनता देखिए, जनता का आशीर्वाद है इस पर जवाब, जनता जनार्दन सराखों पे,
मैं चाहता हूं कि जनता हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता है, वो 80 करोड़ मतदाता भी हैं और वो कम से कम 30 करोड़ लोग भी हैं जो इस नदी के आसपास रहते हैं जो मतदाता होंगे। मैं चाहूंगा वो 23 मई का इंतजार करें। ठीक है, प्रेरणा आ गई है। मैं दूसरा एक बहुत जरूरी जान, अभी इलेक्शन कमीशन ने बनाया है कि नए 30 करोड़ युवा जो 18 साल में पहुंचे हैं इस बार वोट डालेंगे, उनके पास कोई लहर नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि 2014 में जो आपने सपने दिखाए थे, जो लड़का आज ग्रेजुएशन करके इंटरमीडिएट करके खड़ा हुआ है, क्या उसके पास वो नहीं पता है? देखिए राहुल जी का सपना पूरा नहीं हो रहा, अखिलेश जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए, सपना सबका पूरा हो रहा है, देश के युवाओं का भी सपना पूरा हो रहा है, देश के किसानों का, देश की माओ का सबका सपना पूरा हो रहा है। 40 सालों में पहली बार भारत की बेरोजगारी निचले स्तर पे है। क्या एक माँ बाप, क्या हम बच्चों को पढ़ाते ये नहीं सोचेंगे कि पढ़ने के बाद वो पकौड़े बेचेंगे? अरे पकौड़े, अरे नहीं, नौकरी चाहिए। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं? कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं? 4 करोड़ का सूट नहीं बन सकते, 4000 का सूट बन सकते हैं? कैसे चलाते हैं? चलाना सिखा रहे हैं युवाओं को? आप युवाओं को, आप युवाओं को कैसे चलाना सिखा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम कहते हैं 4 करोड़ का सूट नहीं, बेचारे 4000 का तो सूट पहन सकते हैं। अरे सर, चाय वाला क्या पहन नहीं सकता? साथ में युवराज ही पहन सकता है। सरकार आपका युवराज राहुल गांधी जो है सोने की चम्मच लेकर जो पैदा हुआ है, क्या उसी को अधिकार है? एक गरीब व्यक्ति का अधिकार नहीं है? वो माइक शुरू है। ये हमारा एक वोटर जागरूकता कार्यक्रम है। अब की बार लिखकर दो सरकार, ऐसी 3 बातें बताइए जो आप इस बार इस जनता जनार्दन को लिखकर देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखकर ये देते हैं कि आने वाली 2019 में जो अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो वो जुमलों की सरकार नहीं होगी, वो सरकार होगी सच्चे वादों की, ईमानदारी की और विकास की। जो देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जी को मैं दिखा देता हूं। तलाश 2019 में राहुल जी पूरी करेंगे। जो किसान आत्महत्या कर रहा है, भटक रहा है अपनी कर्ज माफी के लिए, उसका जो सपना है वो राहुल जी पूरा करेंगे। और जो 15 लाख रुपए देने का झूठा वादा मोदी सरकार लेकर आई थी, जो गुमराह करने वाली सरकार है, जो झूठ बोलने वाली सरकार है, जो नीरव मोदी की, अडानी की, अंबानी की और राफेल घोटाले की सरकार है, उन सभी दोषियों को 2019 में राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जेल भेजने का काम करेगी। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी ने भी 15 लाख के जुमले को काफी उठाया था कि 15 लाख क्या मोदी जी देंगे, और उसके बाद जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने मुद्दा बनाया था जब आप गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, कि आपको लगता है वो 15 लाख रुपए मोदी जी को देने चाहिए थे हर आम जनता के खाते में? आपको याद होगा कि पिछले जो यूपीए की 10 साल की सरकार थी वो लगातार पैसे खा के भागते रही। क्या आप बताएंगे पिछले जो 5 साल की सरकार है उसने 44 पर आ जाएंगे, देश की जनता में पिछड़ों की लड़ाई, ये जो चुनाव होने वाला है ये स्वाभिमान का चुनाव है, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊपर उठा कि नहीं, स्वाभिमान के साथ खड़े हुए हैं। सीधे 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 तो ये इंडिया की सरकार चाहते हैं, यहाँ से बताते जानते हैं, और प्रेम जी जो कह रहे थे कि राहुल जेल भेजेंगे, आप बात बताइए, जो लड़का मैं सिर्फ घूमता है, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से और जो यहाँ पे खड़े उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आपको सच में लगता है कि राहुल गांधी इतने बड़े देश को चला पाएगा? सिर्फ बिल्कुल चला पाएंगे। 70 सालों में अगर देश
देश में सबसे ज्यादा किसी पार्टी की सत्ता रही तो वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही। सत्ता रही तब भी हाल है, तभी देश का हाल है। सत्ता रहने के बाद चार चार पुष्ट रहने के बाद आज भी प्रियंका जी राहुल जी कह रहे हैं वो पार्टी नहीं है जो सेना की कुर्बानी का श्रेय खुद लेना चाहे। ये पार्टी वो पार्टी है जिसके लोग, जिस पार्टी के सदस्यों ने अपनी जान कुर्बान की है। सेना को तो अपने कमजोर बना दिया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? सेना के ऊपर प्रैक्टिकल किसके मांगे? सेना की बात कर रही है। सेना पे किससे सबूत मांगे कांग्रेस पार्टी ने? सर्जिकल स्ट्राइक पर किसने सबूत मांगे कांग्रेस पार्टी ने? अरे सिद्धू, सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं इनके नेता कि पाकिस्तान में जाकर हमारी सेना जो है, हमारी एयरफोर्स जो है वो पेड़ गिरा के आई है। कांग्रेस का हाथ जो है वो आतंकवाद के साथ है, कांग्रेस का हाथ जो है वो पाकिस्तान के साथ है। कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा जाता है, आप लोगों को याद होगा दिल्ली में ही पड़ोस में बाटला हाउस है, बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, मोहन चंद शर्मा जी शहीद होते हैं, एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, और उसके बाद राहुल जी कहते हैं कि मेरी माँ रात भर सो नहीं पाई, इसलिए आतंकवादी के मरने पे सोनिया जी रात भर सो नहीं पाती। यह कांग्रेस का असली चेहरा शर्मा जी चाहिए। जवाब देखिए, पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? बिरयानी हमारा मोदी नहीं खाते, मोदी जी शुद्ध शाकाहारी है, मोदी जी शुद्ध शाकाहारी है। पाकिस्तान राहुल जी खाते हैं जो खाते हैं। सेना के शौर्य पर, शौर्य के शौर्य पर, पराक्रम पे आपने सवाल उठाया हमेशा, आपने हमेशा एक मिनट आप दोनों से यहाँ पर बताइए आप क्या लिखकर चाहते हैं अपने नेताओं से? हाँ जी, हम बहन जी से, कांग्रेस की बहन जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आज तक एक इतिहास में बता दें कि किस कांग्रेस के नेता ने शहीद, जवाहरलाल शहीद हुए कि इंदिरा गांधी शहीद हुई? इंदिरा गांधी जो सिख उग्रवादी किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी ने पैदा किया। अरे दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह पुलवामा को क्या कहते हैं? एक मिनट रोहित, दिग्विजय सिंह पुलवामा को क्या कहते हैं? जनता की आवाज सुन लो भैया। अरे जनता की आवाज सुन लो भाई, जनता की आवाज सुन लो। सर 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने दो वादे बहुत बड़े किए थे, एक तो काला धन लाने के लिए और एक राम मंदिर के लिए। तो अब की ये लिख के देंगे कि जब अब की सरकार आएगी तो ये दो काम कर... रोहित बताइए जवाब। राम मंदिर के रेडिक है, जहाँ पर रामलला का जन्म हुआ उसी स्थान पर राम मंदिर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी बताए कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के जाते हैं, कोर्ट में जाके खड़े होते हैं और क्या कहते हैं कि मंदिर की अगर सुनवाई हुई तो हम लोग वॉकआउट कर जाएंगे। 2007 के अंदर कोर्ट में हलफनामा देते हैं लोग, राम जी के सिख पे ये लोग सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी ये लोग सवाल उठाते हैं और राम जी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये चाहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? हम तो कहते हैं बताइए राम मंदिर बनना चाहिए नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल बनना चाहिए। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जी क्या कहते हैं? अरे परमिशन ले ली राहुल जी से, आपने राहुल जी से परमिशन ले ली? 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी हलफनामा देती है और सवाल उठा रही है। रोहित ने एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रखना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नोटा की, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके पास इस वक्त अल्टरनेट नहीं है और उनको नोटा को दबाना चाहिए। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं अब की बार लिखकर दो सरकार।
क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा वोटर जागरूकता कार्यक्रम है और हम ये चाहते हैं कि नेता अपने जो भी वादे जनता से करें, चाहे वो एक सड़क बनवाने का हो, चाहे वो एक नाली बनवाने का हो, चाहे वो एक शौचालय बनवाने का हो, चाहे वो एक स्मार्ट सिटी बनवाने का हो, चाहे वो गंगा सफाई का हो, ये वादे जनता को लिख कर दें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारी आम जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है। आप क्या लिखकर चाहेंगे अपने नेताओं से? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो कार्यक्रम किया है। मेरा सवाल भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे है, पिछले चुनाव में आपने जो बीजेपी के जो कोर बुनियाद मुद्दे हैं, आर्टिकल 370, अयोध्या में राम मंदिर, और जो आपने जो किया था, आज जब आप सिविल कोर्ट में, आपको याद है? यस सर। कॉमन क्या आप चाहते हैं कि ये भी लिख कर दे? एक सेकंड सर, आपको यूपी में बहुमत आ गई, पूरी कंप्लीट मेजोरिटी है, सेंट्रल में कंप्लीट मेजोरिटी है, राष्ट्रपति जी बीजेपी से, आप कब बनाओगे मंदिर? बताओ बताओ रोहित, ये भी मांग रहे, आपकी बार लिख कर दो सरकार, आपकी बार लिख कर दो सरकार। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, राम मंदिर के लिए कटिबद्ध है, उस स्थान पे राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन मैं प्रेरणा जी को भी धैर्य से सुन रहा था, प्रेरणा जी ने बताया, देखिए 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया कांग्रेस पार्टी ने, राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पे किसने सबूत मांगे? कांग्रेस ने। उसी तरीके से 2007 के अंदर राम जी के अस्तित्व पे कहा कि राम सेतु है ही नहीं, राम जी है ही नहीं, ये है, ये असलियत है। मैं ऑन पेपर कह रहा हूँ, पहली बात, दूसरी बात है, मैं जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हम चाहते हैं उसकी सुनवाई शुरू हो, लेकिन कोर्ट में जाके कपिल सिब्बल जी क्यों खड़े होते हैं और कैसे सुनवाई चलते हैं? आपके नेता है नहीं है, देखिए राम जी का अस्तित्व पे भी सवाल उठाएंगे लोग, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी लोग सवाल उठाएंगे, एयर स्ट्राइक पे भी लोग सवाल उठाएंगे, देश के पराक्रम पे भी ये लोग सवाल उठाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कटिबद्ध है, लेकिन आप बताइए कि आप हमेशा से सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए आप देश को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राम मंदिर पर जो कुछ पिछले 5 साल में हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अब हो रहा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि वहां पर मंदिर बनाया जाए? आप बताइए, आपको क्या लगता है? कतई एजेंडा नहीं है। पिछले 60 सालों में इन्होंने एक संवैधानिक कदम बता दें जो राम मंदिर बनाने के लिए उठाया है। अंदर तो अभी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी है भारतीय जनता पार्टी का, मतलब है मोदी सरकार ने, और जो बाकी 1800 करोड़ जमीन है, 67 वो बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ, राम लला है टाट में और भारतीय जनता वाली 1800 करोड़ के टाट में, वही पार्टी है ना, हमारे राम है, आप वही पार्टी है राम लला पे सुनवाई थी। देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को ये सालों में और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, मैं अगर और बोलिए चलवानी पड़ती तो मैं चलवाता। ये लोग चाहिए आपकी, अब आप इस जनता को पेश करें। लाल किश आडवाणी जी ने आखिरी सम्मेलन अयोध्या में किया था जिसमें नाम मात्र की भीड़ आई थी, तभी से मोदी जी समझ गए थे कि अब राम लाला के हाथ में हमारी सरकार नहीं है। बता दीजिए 5 साल में एक दिन का एक सेकंड अगर वो अयोध्या के अंदर गए हो, इतना प्यार करते हैं राम लाला से। ठीक है, आप आगे प्रिंसिपल कपिल सिब्बल जी के बारे में बताइए ना, निकलो भाई, कपिल सिब्बल जी जेल में जाते हैं, जनता वॉकआउट कर जाएंगे, कपिल सिब्बल जी में जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए। 4 साल लगे भाजपा को अपना मुख्यालय बनाने में, बेहतरीन इमारत खड़ी हो गई आईटीओ के पास। 60 साल लगे, आपने क्या किया ये बताइए ना, आप ये बताइए 60 साल हो गए बनाने से, नेहरू जी 60 साल हो गए, कांग्रेस ने इनको मुख्यालय बनाने से नहीं रोका। अरे आपने देश में देखिए पंडित तो बनेगा, नेहरू जी ने मंदिर बनाने गोली चलवाई थी ना आप लोगों ने, चार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया था ना, कोई गोली नहीं, इनको मुख्यालय बनाने से नहीं रोका। अरे आपने देश में देखिए पंडित तो बनेगा, नेहरू जी ने मंदिर बनाने गोली चलवाई थी ना आप लोगों ने, चार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया था ना, कोई गोली नहीं,
जनता के पास जाता हूँ जनता से। एक मिनट, आप कौन सा वादा लिख कर चाहते हैं अपने नेताओं से, क्या लिख कर दे आपकी सरकार? पूछना चाहूंगा कि जो बोल रहे हैं कि हमारी पांच साल में सरकार ने क्या किया, पांच साल में सरकार ने सब कुछ किया है। रही बात राम लला की, जो पिछले 70 साल से मुद्दा नहीं उठा वो अभी पांच साल में क्यों उठा? सबसे बड़ी बात, चांद तू चमक या न चमक, तेरे चमकने का कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो किसी चमकते हुए चांद से कम नहीं। जी हाँ, हम यही आपकी राय, आपकी राय। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर कौन है जो अपने नेताओं से कुछ लिख कर मांगना चाहता है? क्या लिख कर दे आपको नेता? ये लिख कर दे कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा अप टिल क्लास 10-12। ठीक है नेताजी से आपका जो मेन सवाल है कि हम क्या लिख के लें जो आने वाला नेता, हम तो ये कहेंगे अगली बार भी मोदी सरकार आएगी पांच साल के, पर हमसे लिखवाना चाहते हैं कि जितने भी देश के सबूत मांगने वाले लोग हैं उनको उसी जगह भेजा दे जिन्होंने देश का मान सम्मान गिराया है, चाइना से मिलके, पाकिस्तान से मिलके, उनको उस जगह पे पहुंचा दे और उनका प्रतिरोध करे कि चाइना का सामान हम ना खरीदें और ना ही हम यहाँ पर अपने देश में ऐसे गद्दारों को रहने दें। ठीक है, आप क्या लिख कर चाहते हैं अपने नेताओं से, आप क्या लिख कर चाहते हैं, कौन सा वादा आप चाहते हैं लिख कर दे सरकार? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग जो मोदी जी पे आज उंगली उठा रहे हैं, क्या मोदी कोई नया नाम है क्या इस देश में? सोना है सोना, और वो तपता हुआ सोना 15 साल से एक स्टेट को चलाया है और अब देश को चला रहा है, एक छोटा सा जो एमपी और एमएलए बनता है। आपकी राय है, राय नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। जो उंगली उठा रहे हैं क्या वो नया नाम है क्या? आज तक उनपे कुछ केस नहीं, करप्शन नहीं। और राहुल जी राफाल की बात करते हैं, उनसे पूछो एनसीसी क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज एनसीसी, बट उनको राफाल पता है, राफाल का रा पता नहीं। ना जवाब, जनता का सवाल है, उनको एनसीसी पता नहीं है, नेशनल कैडेट कोर, लेकिन उनको राफेल का राह पता है। करप्शन की बात करते हैं लेकिन मोदी जी तक पर आज तक एक भी इल्जाम नहीं है। राहुल जी को क्या पता है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 550 करोड़ का विमान 1400 करोड़ भारतीय जनता पार्टी खरीदती है तो फर्क पड़ता है। जब अंबानी को जो राफेल तो क्या एक कागज का जहाज भी बनाने में सक्षम नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है तो देश को फर्क पड़ता है। जब HAL जो कि जानी मानी कंपनी है लड़ाकू विमान बनाने में, उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाता है, वहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब भी देश के साथ खिलवाड़ होगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सवाल करेगी, सवाल खड़े करेगी, और सवाल खड़े करना एक अपोजिशन पार्टी का काम है। आपका काम जवाब देना है, सवाल खड़े भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री जी से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है, लेकिन इनको सेना से क्या दिक्कत है, इनको सीबीआई से क्या दिक्कत है? वापस लौट के आ रहे हैं, मुझे पांच साल में को लेकर होता है तो बताते सेना के पीछे क्यों खड़े हो? हमारी सेना का भी आगे थी, अभी आगे की सबसे बड़ी योजना है 50 करोड़ एक बड़े अच्छे सज्जन ने पूछा कि हमारे वहाँ पे हेल्थ के बारे में क्या किया जाएगा। दीपक जी मैं आपको बताऊँ, दीपक नीति आयोग बनाया गया और मैं चाहता हूँ कि इस 130 करोड़ में जो भी नेता चुन के आए पहले वहाँ पे साफ पानी, साफ भोजन, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था और नौकरी के बारे में बात करे, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें। दीपक जी मैं आपको दो मिनट का उत्तर देने दीजिए। नीति आयोग ने बोला कि 2017 कुछ नहीं किया, 1000 करोड़ सब कुछ चाहिए आपको, मोदी सरकार ने कुछ लूटा सब कुछ चाहिए। आप तो जिनके साथ है वो खाली मूर्तियां बनाते हैं, तो आप तो जिनके साथ है वो खाली मूर्तियां बनवाते। हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व के एक तिहाई कुपोषित बच्चे रखता है, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। आप मुझे सुन लीजिएगा, देखिए आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है भैया, आयुष्मान भारत में 13,000 करोड़ भैया, 3,000 करोड़ से निकाली है, 3,000
13,000 3,000 आयुष्मान भारत अशोधि योजना जो है आयुष्मान भारत भी बहुत बड़ा डिजाइन है। आपने रिलायंस की कंपनी को इंश्योरेंस दे दिया, 50% अंबानी को बिजली का बिल दे दिया है, जो दिल में ये है आपका आयुष्मान भारत को तो वो तो एक बहुत बड़ा डिजाइन हो। अरे सुन लीजिए, आयुष्मान भी बताता है घुटने का इलाज हो, 50% अंबानी अडानी की आप चिंता मत कीजिए, इसको आपकी सोनिया जी तो आपकी सोनिया जी तो अमेरिका के कब्जे में गिर होना भाई, और आप कह रहे हैं आप देश की बात कर रहे हैं, आज देश को कौन इंश्योरेंस लड़की गरीबी है। रोहित एक मिनट आपका क्या सवाल है और आप अपने नेताओं से क्या कहेंगी, आपकी बार क्या लिख कर दो सरकार? मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना ये चाहती हूँ कि हमें हमारा सिक्योरिटी चाहिए, इंडिया का सिक्योरिटी चाहिए। जैसे उरी हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, उनका क्या गारंटी है कि वो हमारा सिक्योरिटी के लिए इतना कुछ करेंगे जो कि मोदी सरकार कर रही है? और वो 7 साल पहले इतना अटैक होता था, मुंबई में अटैक हुआ, ताज होटल में अटैक हुआ, और रोहित अनफेयर। प्रेरणा जी आपसे उस बच्ची ने सवाल पूछा है कि देश को सिक्योरिटी चाहिए, आपने 26/11 के बाद क्या किया था? इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया। देखिए मेरी छोटी बहन ने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा और उनका अधिकार है ये सवाल पूछना। अब मैं अपने भाजपा के जो साथी हैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे 2 मिनट जवाब देने देंगे और बीच में नहीं कूदेंगे। नहीं कूदेंगे रोहित। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, 26/11 हुआ और वो देश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था। उसके बाद पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उस समय की मौजूदा सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की और पाकिस्तान को जवाब भी दिया, मगर आज फर्क ये है, बताइए देश की जनता पूछ रही है। अरे आतंकवादियों का साथ दिया, आतंकवादियों का महिमा मंडल मखौल उड़ाया जा रहा है। अभी मैं दे रहा हूँ जवाब, राजनीति में दे रहा हूँ जवाब, दे दीजिए और सेना का फायदा उठाने राजनीतिक फायदा उठाया जाने की कोशिश करी जा रही है, वो पहले कभी सेना पे सवाल उठाएंगे ये ठीक है? एयरपोर्ट पे सवाल उठाएंगे वो ठीक है, सेना का शौर्य प्रभाव हम बताएंगे तो हम गलत है क्योंकि पाकिस्तान की भाषा ये रूप बोल रहे हैं। अरे आपको दर्द क्यों होता है जब पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जाता है तो दर्द होता है? सेना कंप्लीट करिए फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे सैनिक शहीद हुए हैं तो भाजपा के शासनकाल में हुए हैं। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 300 किलो आरडीएक्स सेना के बेड़े में कहनी है। एक बात जरा सी मुल्क के पहरेदारों से संभल के रहना, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से मांगने वाले गद्दारों से जो खुद 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, देश में बैठे गद्दारों की वजह से आ गया, तो अपने देश का खाते है और पाकिस्तान का साथ देते हैं। एक मिनट कोई गद्दार नहीं है भैया, यहाँ जो खड़ा है कोई गद्दार नहीं है। बताइए, मैं मनोहर आनंदराव पाटिल महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से रामबान उपाय, मोदी और राहुल गांधी सभी विरोधी पार्टी ये चोर है और देश का प्रधानमंत्री। ये गलत बात है, कोई चोर नहीं है, कोई नेता चोर नहीं है, गलत बात है। यहाँ से शुरू करते हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, आप क्या लिखकर चाहते हैं अपने नेता? मेरा कहने का मकसद ये है कि दोनों जो विपक्ष के नेता है इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि रामलीला का मंदिर जो है कब बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि रामलीला का मंदिर बनने के लिए जब गए थे तो वहाँ उस जगह को तोड़ा किसने, बनाया जाने वाले सारे आपकी राय है, इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, आपने बात कर ली भैया। सर आप क्या लिखकर चाहते हैं, क्या लिखकर दे आपको? सर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक प्रश्न चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है, तो आर्थिक विकास दर 7.5% से ऊपर गई है क्या आपकी, जो मनमोहन सिंह के टाइम पर 9% तक पहुंची है? और बेरोजगारी दर आज जो है, और ये जितने लोग हैं इसमें से किसी का हाथ उठा लो आयुष्मान भारत से किसको लाभ मिला है? ये सिर्फ मीडिया। रोहित आपसे एक मीडिया सवाल है, आपसे एक मीडिया सवाल है, आप आराम से सुनिएगा। देखिए मुझे लगता है
भारत जो है आज फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्जाइल पाइप के अंदर था कांग्रेस की सरकार के सामने, फर्जाइल पाइप के अंदर फास्टेस्ट पाइप के अंदर पहुंचा है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144वें पायदान पे था, आज 77वें पायदान पे पहुंचा है। महंगाई दर बताने दीजिए जनता को, महंगाई दर आज 2.57 महंगाई दर पहुंची है। और बेरोजगारी की बात किया है, डाटा सर्वे जो है बेरोजगारी नौकरी मिल गई है, दीपक जी देख लीजिए किसको नौकरी मिली है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, जनता नौकरी मिली है। रोहित खत्म हो गया आपका जवाब, नहीं हुआ ना। देखिए मैंने आज देश की मैंने कहा, देखिए एक फर्जाइल पाइप से निकल के फास्टेस्ट ग्रोइंग में आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 144वें पायदान पर आया। इतना ही नहीं, महंगाई सर होती थी। मैं पूछ लेता हूँ, रोहित की बात समझ में आई है? ठीक है रोहित, आगे चलते हैं। वर्मा ये बताइए, प्रियंका प्रेरणा, देखिए हम पहले बता दें कि हम बहुत सम्मान के साथ भारतीय सेना को कभी भी राजनीतिकरण में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो बता दें, सन 1 सितंबर 2011 पहली सर्जिकल स्ट्राइक, 28 जुलाई 2013 दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक, 14 जनवरी 2014। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं, कम से कम देश की जनता को बताइए। सेना ने पांच सालों में हमारे 4 जवान कांग्रेस के शहीद हुए हैं 2014 के अंदर। देखिए देश की जनता ने देखिए मैं अभी पुलवामा की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलवामा से पहले 448 जवान की बात कर तो रहे हैं। इसका मतलब हर तीसरे चौथे दिन एक जवान शहीद हो रहा था। और मैं कहता हूँ देश सुरक्षित था तो गुरदासपुर क्यों हुआ, उधमपुर क्यों हुआ, पंपोर क्यों हुआ, उरी क्यों हुआ, नगरोटा क्यों हुआ, शांति बनाए रखिए। कहने दीजिए थोड़ी, इतनी सभ्यता जरूर रखिए कि जहाँ यहाँ जनता मौजूद है उनको लगे कि ये चुन के जो नेता ऊपर जाएगा वो कुछ सुनेगा दूसरों का भी। आप बोल रहे हैं, थोड़ी शांति बनाई रखिए। आपका प्रश्न था सर्जिकल स्ट्राइक, भैया कुर्सी बदलने के बाद ऐसे ही बातें बदल जाती है। वर्मा जी आपकी गलती नहीं है, वर्मा जी थोड़ी भी मेरे पास आ जाओगे, थोड़ी सी शांति, अभी वापस आ जाएंगे, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक की घटना का जिक्र कर रहे थे, जब आपको पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होता है, तो इस बार कूद के सबूत मांगने का आ गए भैया? भैया हमारी सेना से कोई सबूत नहीं मांगते, पहला हम सेना से सबूत मांगते हैं ना, हम देते हैं कुछ लोग सबूत उनको देना है। कूद कूद के कुर्सी के चक्कर में उछल चल के बात है, थोड़ा सा शांति बनाइए, थोड़ा सा शांति बनाइए। उधर बात है, पहली बार देश का, अरे सुशासन बाबू से पहली बार, अरे सुशासन बाबू को, सुशासन बाबू के राज में 7% के विकास होगा, गांव गांव बिजली पहुंच गया जी, बिहार के हर गांव में इस बार आधी आधी हो गई, बिहार के हर गांव में बिजली है, डॉक्टर विश्वास है। आप थोड़ा शांति बनाइए, पहली बार देश में पहली बार किसी ने आर्मी पर सवाल पूछा तो उसका नाम था कांग्रेस पार्टी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोबारा शांति बनाए रखिए। प्रेरणा जी, राहुल गांधी ने पूछा, राहुल गांधी ने कहा उत्तर बिहार के मंत्री को, बाद में राहुल गांधी ने पूछा मायावती, राहुल गांधी ने पूछा सर्जिकल सवाल का, ये सवाल जब उन लोगों ने उठाया है तो सरकार का काम है खून की दलाली का, बिल्कुल आपके राहुल गांधी ने खून की दलाली का आरोप लगाया है। हम सेना के राजनीतिकरण के खिलाफ है, हम कभी नहीं चाहते, वो देश की सेना है, किसी राजनीति की सेना नहीं है। यहाँ पर तीन लोग, सबसे पहले आप एक मिनट आराम से आप ये बताइए कि आप क्या लिखकर चाहते हैं अपने नेताओं से। समय चल रहा है भाई कि ये बोल रहे हैं कि पुलवामा सेना के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछूंगा इतना आइडिया आप कहां से गए, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बीप। ठीक है, वेरी सवाल, वेरी घर में बैठे हुए गद्दारों की वजह से आ गया, जो सर मोदी जी कहते थे 2014 में उनकी जगह दिल्ली में बैठे क्या कर रही है, आतंकवादी कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी वजह से आ रहे हैं, मोदी जी ने तो जवाब, बिरयानी तुम खाओगे गद्दार हमें कहोगे, गद्दार जवाब दिया चाइना के झूले कहा जाओ,
देश के अंदर बैठे गद्दार हैं, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिनको शौक है पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे छपने का। राहुल गांधी बहुत खुश होते हैं मोदी को छपते हैं। देखिए ये जवान मिलने जाता, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की राजनीति है। कभी भी तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार सेना के लगातार आपने सबूत मांगे, देश की जनता ने देखा, दीपक जी सोनिया जी ने और राहुल जी ने बकायदा लिखित में बयान जारी किया। सोनिया जी तो रोई थी आतंकवादियों के लिए बाटलाओ एनकाउंटर में, राहुल जी ने कहा था। मगर जब देश में 300 किलो आरडीएक्स पहुंच जाता है और सीआरपीएफ के 60 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं, आप कांग्रेस को किसको लगता है कि नोटा एक ऑप्शन है? आपको किसको लगता है कि नोटा एक ऑप्शन है? किसी को लगता है? सर हम सीमांचल पूर्णिया बिहार से आते हैं। आपको लगता है नोटा ऑप्शन है जी? अगर कोई काम नहीं करे तो ये समझो कि दोनों चोर है। और चोर और किसी को नहीं बोलना भैया, नोटा कोई ऑप्शन लगता है आपको? नहीं सर, नोटा ऑप्शन नहीं है, ये वोट की बर्बादी है, ये नोटा की बर्बादी है। अच्छा इधर से कौन मानता है कि नोटा ऑप्शन है? नोटा आपको ऑप्शन लगता है? बिल्कुल नोटा ऑप्शन नहीं है, इतना बड़ा देश है, नोटा ऑप्शन इसमें बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कई सारी चीजें इसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं जो हम शायद समझे या नहीं समझे, किसी के विरोध में आकर के किसी के उसमें आकर के हम नोटा दबाते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं देश की हानि है इस। नोटा आपको लगता है ऑप्शन है? नहीं, नोटा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकारी इंडिया को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सरकार आनी जरूरी है। बिल्कुल सही, मैं भी यही कहना चाहूंगा, इंडिया अगर प्रगति पर है तो नोटा इज नॉट ए ऑब्जेक्शन। नोटा ऑप्शन नहीं है? और किसको लगता है नोटा ऑप्शन नहीं है? आपको लगता है नोटा ऑप्शन है? नोटा बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, सीधा जाइए और मोदी जी को पीएम बनाइए। किसको? अच्छा आप बताइए, आपको लगता है नोटा कोई ऑप्शन है? नो नॉट एट ऑल, वी अ स्ट्रांग लीडर, दैट यू शुड हैव अ स्ट्रांग लीडर। आपको लगता है नोटा ऑप्शन? सर नोटा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां चुनावी वायदे को पूरा नहीं करती है उसका इलेक्शन सिंबल जब्त होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये एक अच्छा सुझाव है कि जो अपना वादा पूरा नहीं वादा उसका इलेक्शन सिंबल जब्त होना चाहिए। देश की संसद में आने वाले सेशन के बाद एक कानून बनना चाहिए कि अगर चुनावी वायदे पूरा नहीं करे तो उसका इलेक्शन सिंबल जब्त करो। ठीक है, राम मंदिर को मूर्त बनाना बंद करे। ना ना ना, अब हो गए, राम मंदिर की बात हो गई तो आपकी बार लिखकर दो सरकार में। एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो अपने चुनावी वादे पूरे ना करे उसकी इलेक्शन कमीशन समीक्षा करे और उसके बाद उसका इलेक्शन सिंबल जब्त करे। क्या हमारी डेमोक्रेसी इतना मेच्योर हो पाएगी? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। इंडिया गेट से थोड़ी देर बाद हम आएंगे इंडिया का मिजाज लेकर।